वाली बात ये है कि वो कर नहीं पाता है क्योंकि उसकी पेंशन सिर्फ 14 या 15 हजार। दूसरा हमारा पॉइंट है कि एक्सग्रेशन, वो जो ग्रांट मिलती है और SRO 43 के अंदर जो एक परिवार के सदस्य जवान J&K स्टेट के विद इन J&K स्टेट मार्टियर होता है, अगर वही जवान देश के किसी दूसरे भाग में एनिमी एक्शन से या मिलिटेंट के खिलाफ लड़ता हुआ अगर शहीद होता है तो उसको ना उसके बेटे बच्चे को या उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिलती है और ना ही उसको एक्सग्रेशिया ग्रांट। नाउ UT ये 5 लाख थी, बाकी स्टेट में ये 10 लाख है। तीसरा जो मुद्दा हमारा जो हम एड्रेस करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करने के लिए वो 48 ईयर्स है। हम ये चाहते हैं, और दूसरा जैसे आपको पता है कि हमारी स्टेट में 3-3, 4-4, 5-5 साल कोई एडवर्टीजमेंट ही जॉब का नहीं होता है, तो ये जो चीज है इसको एड्रेस किया जाए, इस उम्र को 55 साल तक बढ़ाया जाए। मैं कर्नल SS पठानिया, स्टेट प्रेसिडेंट सैनिक समाज पार्टी J&K, तमाम स्टेट के लोगों का अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ इस समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट कर्नल जम्वाल हैं, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर करण गुप्ता हैं, उसके बाद श्याम जी हैं, शर्मा साहब हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बेसिकली उन मुद्दों को उठाने के लिए की है जो हमारे जो वेटरन्स और फैमिलीज़ हैं पिछले 72 साल से कश्मीर सेंटर पॉलिटिक्स की वजह से वो उन्होंने किया, 72 साल का अन्याय मैं इसको बोल सकता हूँ जो हमारे साथ होता रहा है, हमारे वेटरन्स और उनकी फैमिली के साथ होता रहा है। अभी कुछ मुद्दे हम गवर्नर साहब की तवज्जो में लाना चाहेंगे और साथ में हम PM मोदी साहब के भी तवज्जो में लाना चाहिए जो J&K के वेटरन्स उनकी फैमिली जो समस्याओं को झेल रहे हैं। हमारा सबसे पहला जो इशू है वो ये है कि हमारी स्टेट में गवर्नमेंट जॉब की जो रिजर्वेशन है वेटरन्स के लिए वो सिर्फ 6% है, जबकि बाकी स्टेट में ये 15% के करीब है। हम ये चाहते हैं कि 6% से बढ़ा के ये 15% की जाए, ताकि एक जो जवान 36 या 37 साल की उम्र में आता है वो अपने एजुकेशनल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज किड्स एंड सोशल एंड फैमिली ऑब्लिगेशन को पूरा कर सके। हमारा दूसरा मुद्दा है एक्सग्रेशिया के बारे में। एक्सग्रेशिया का मतलब ये है कि हमारा एक जवान अगर J&K के अंदर शहीद होता है उसको एक्सग्रेशिया के 5 लाख मिलते हैं और उसके परिवार को अर्स्टवाइल SRO 43 के अंतर्गत उसके एक परिवार को सदस्य को गवर्नमेंट जॉब मिलता है। लेकिन अगर यही जवान किसी देश के दूसरे कोने में मिलिटेंट या एनिमी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में शहीद होता है तो ये जो दोनों फैसिलिटीज़ हैं उसको डिनाई कर दी गई हैं। हम ये चाहते हैं कि अभी हम यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये जो डिस्क्रिमिनेशन था इसको ख़त्म किया जाए ताकि जवानों को और उनके परिवार को न्याय मिल सके। हमारा तीसरा पॉइंट है कि अपर एज लिमिट वाइल अप्लाइंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फिक्स दैट अपर एज लिमिट एट 48 विच इज़ टू लेस। हम ये चाहते हैं कि इस अपर लिमिट को 55 साल किया जाए और विद इन 3 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट, फुली नोइंग कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या अर्स्टवाइल जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर 3-3, 4-4, 5-5 साल जॉब के बारे में एडवर्टीजमेंट ही नहीं आती है और काफ़ी जो लोग जो डिज़र्विंग हैं वो इस काउंट पे मिस कर जाते हैं। हम ये भी चाहेंगे कि जो गैलेंट्री अवार्ड का जो सिस्टम है इनिशियल ग्रांट का, उसके बाद NUT का और कैश इन लियो ऑफ लैंड जो दिया जाता है बाकी स्टेट में, अभी टू कोड एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे परमवीर चक्र हैं बाना सिंह जी, वो हमारे स्टेट का फख्र भी हैं। हरियाणा गवर्नमेंट परमवीर चक्र के लिए 2 करोड़ रुपए की इनिशियल ग्रांट दे रही है और हमारे बाना जी को क्या दिया हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, 22,500 रुपया। उनकी जो NUT है हरियाणा गवर्नमेंट की वो 2 लाख है, हमारे यहाँ जो PVC की NUT है वो सिर्फ 1.25 लाख है। इसी तरीके से बाकी हमारे जो गैलेंट्री अवार्ड आते हैं चक्रा सीरीज़ के या सेना मेडल गैलेंट्री, उसके अंदर भी हम लोगों को वर्चुअली कुछ नहीं दिया गया है। इसी तरीके से हम ये भी डिमांड करते हैं ऑनरेबल गवर्नर से कि हमारे यहाँ पे एक कॉरपोरेशन बनाया जाए जिस तरह हिमाचल में भी बना हुआ है, विच इज़ टेकिंग ऑफ केयर ऑफ ऑल द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अवर वेटरन एंड देयर फैमिलीज। तो ये, और उसके बाद हम ये भी चाहेंगे कि अगर हमारी मांगों के ऊपर वो तवज्जो नहीं देते हैं तो प्रॉब्ली विल बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गो फॉर द पीसफुल प्रोटेस्ट। तो ये हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चीज़ को माशरे को इसके साथ मिलाया जाए और लोगों को जो अवेयरनेस है इस इश्यूज़ के बारे में वो बढ़े। तो इसी तरीके से हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं कि आज आपने अपना समय निकाल के आप हमारे पास आए। थैंक यू वेरी मच।